हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने अनुवाद की शब्दगत, अर्थगत, व्याकरण संबंधी, सामाजिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंधी समस्या और साथ ही साथ मुहावरों और लोकोक्तियों से जो कि ये से संबंधित समस्याएं, सीमाएं एवं चुनौतियां हैं, उन पर चर्चा की। आज के अध्याय में हम जानेंगे अनुवाद की साहित्यिक विधाओं की समस्या, यानी कि साहित्य की, जब साहित्यिक विधाओं का अनुवाद किया जाता है, नाटक, कहानी, उपन्यास, इन सब का जब अनुवाद किया जाता है, तब एक जो अनुवादक होता है उसको किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं, साथ ही साथ उनकी क्या सीमाएं हैं और उनमें क्या चुनौतियां आती हैं इस क्षेत्र में, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुवाद की साहित्यिक विधाओं की समस्याएँ, सीमाएँ एवं चुनौतियाँ। दोस्तों, जिस प्रकार सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत अनुवाद में अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार जब कोई अनुवादक साहित्यिक विधाओं का अनुवाद करता है तो उसके अंतर्गत भी अनेक समस्याएं आती हैं, उनकी अपनी सीमाएं और चुनौतियां उसको दिखाई देती हैं। हम सभी जानते हैं कि जो साहित्य है वो भावना पर आधारित होता है और उसकी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है। भावना और शैली, मूल रूप से ये दो समस्याएं हैं जो साहित्यिक विधाओं में होती हैं, और इसके अतिरिक्त भी विषयों पर आधारित समस्याएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। जब भी किसी निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा आदि अनेकों प्रकार की साहित्यिक विधाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों, व्यक्तित्व, संस्कृतियों, भाषाओं से जुड़ी हुई हैं, और जब भी इनका अनुवाद किया जाता है तो एक अनुवादक कई समस्याओं को झेलता है। जब इन सांस्कृतिक विधाओं के अनुवाद किए जाते हैं तब उसे सबसे पहले विशेष प्रकार की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक अवस्थाएं और जो उनकी सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो सब आती हैं। साथ ही साथ भाषिक समस्या तो है ही। ऐसी साहित्यिक विधाओं में विशेष प्रकार की सामग्री मौजूद होती है जो कि स्रोत भाषा में, यानी कि मूल भाषा में, मूल पाठ में तो मिलती है, लेकिन उसे लक्ष्य भाषा में वही भाव, सामग्री, वस्तु स्थितियाँ अनुवादक को मिले, ऐसा होना अत्यंत कठिन कार्य है। साहित्यिक अनुवाद की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो साहित्य है वो भाव प्रधान होता है, उसमें वर्णित अभिव्यक्ति लक्ष्य भाषा तक चली जाए, मतलब वही अभिव्यक्ति, मूल पाठ की अभिव्यक्ति आपको लक्ष्य भाषा में मिल जाए अनुवाद होने के बाद, मुश्किल ही है। और जो काव्य अनुवाद है, जब इसका काव्य का, किसी कविता का अनुवाद किया जाता है तो उसमें और भी अधिक समस्याएं आती हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी कविता या काव्य का जो शैली है वो अलग होती है, उसमें जो शब्द होते हैं उनकी भावों की अभिव्यक्ति अलग होती है। कई बार किसी शब्द पर हमें बल देना होता है, किसी पर नहीं देना होता है, और किसी को विशेष रूप से दर्शाना होता है। तो अनुवाद जब किया जाता है इस तरह की मूल कृति का, तो उनके खोने का एक जो डर है वो बना रहता है, और कई बार वो हमें मूल कृति का जो भाव है वो अनुदित कृति में दिखाई भी नहीं देता। और काव्य अनुवाद के अंतर्गत छंद और अलंकार भी एक विशेष बाधा के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें अन्य भाषा या लक्ष्य भाषा में अनुदित करते समय कठिनाइयां आती हैं। दोस्तों, कविता में लय, भाषा, छंद, अलंकार, विषय विशेषण, गूढ़ कथ्य इस प्रकार से गुथा होता है कि जब स्रोत भाषा से उसका अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है तो उसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। तुलसी, रहीम, कबीर, बिहारी, इन जितने भी ये हैं प्रसिद्ध कवि, इनके दोहों का अनुवाद करना तो और भी कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो ये दोहे होते हैं ये एक विशेष परिस्थिति से संबंधित होते हैं, और जब भी इनके साथ साथ अनेक संकेत भी इन दोहों में हमें दिखाई देते हैं, जिनका लक्ष्य भाषा में ले जाना अत्यंत कठिन सिद्ध होता है। जो दोहे कबीर, तुलसी और बिहारी जी आदि के जो दोहे हैं, उन्हें जब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ले जाया जाता है तो ऐसे में बहुत सी चीज़ों के खोने का डर बना रहता है, और एक कठिनाई आती है अनुवादक के सामने कि वो एज इट इज़ इनको जैसा वो मूल पाठ में है वैसा ही वो अनुदित कृति में दिखाई दे, पाठक उसी को अनुभव करें जैसा वो मूल पाठ में अनुभव करते हैं, वो एक अत्यंत कठिन कार्य
सिद्ध होता है। दोस्तों काव्य का जो अनुवाद होता है वो हूबहू हो ही नहीं सकता, क्यों, इसीलिए उसका उसके जो भाव हैं काव्य में जो भाव होते हैं उनका अनुवाद अधिक किया जाता है। और इस तरह का अनुवाद अधिकतर कवि ही कर सकता है, क्योंकि कवि के मन में संवेदन, कवि का मन संवेदनशील होता है और वो अपनी संवेदनशीलता बनाए रखते हुए इस तरह का अनुवाद कर सकता है। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण एक संस्कृति के प्रतीक को, यानी कि मूल जो मूल पाठ में संस्कृति है उसी को लक्ष्य, जो जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है, यानी कि लक्ष्य भाषा की जो संस्कृति है उसमें प्रतीक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको उसी हिसाब से अनुवादक को बदलना होता है। और ऐसे बदलना होता है कि मूल पाठ की जो सुंदरता है, मूल पाठ का जो भाव है वो सब बने रहें। और इसी तरह दोस्तों काव्य अनुवाद के अलावा नाट्य अनुवाद भी साहित्यिक अनुवाद में कठिन ही सिद्ध होता है। और साथ ही साथ यदि वो नाटक कोई काव्य से, कविता से, कविता वाला है तो और भी मुश्किल आता है, क्योंकि एक तो जो नाटक है वो मंच पर मंचन जिसका किया जाता है उसमें और भी अनेक सीमाएं और चुनौतियां आ जाती हैं। और एक तरह से जो नाटक है वो एक टीम वर्क है दोस्तों, इसमें निर्देशक, नायक, नायिका और अन्य बहुत से सहयोगी पात्र होते हैं। और इसके अलावा इसमें टेक्निक का प्रयोग भी किया जाता है, और दृश्य विधानों के अंतरण को अनुवाद में ले जाना फिर काफ़ी कठिन काम हो जाता है। दोस्तों मंचनीयता को पूरा करने के लिए, यानी कि नाटक को मंच पर मंचन करने के लिए रंगमंच जो है उसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। कोई भी नाटक का मंचन रंगमंच पर ही होगा, और जब अनुवादक अनुवाद करता है तो उसे रंगमंच को भी, उसकी आवश्यकताओं को भी दिमाग में रखना पड़ता है। इससे जो मूल पाठ की रचना, उसका अनुवाद है वो और भी कठिन हो जाता है। नाटक अनुवाद करने में उसकी संवादात्मक प्रकृति को बनाए रखना भी एक समस्या है। उसमें जो संवादों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसके पात्रों के समस्त गुणों को, जो इस भाषा लक्ष्य भाषा के पात्रों के गुण ऐसे हों, ऐसा असंभव हो जाता है। क्योंकि यह है कि जो मूल पाठ के जो पात्र हैं वो एक विशेष संस्कृति से संबंधित रखते हैं, लक्ष्य भाषा में उसी संस्कृति को बनाए हुए रखकर उन्हीं पात्रों को उसी तरह से शब्दों को बोलना, संवादों को बोलना काफ़ी कठिन कार्य होता है। और इस तरह से मूल रचना से, जो लक्ष्य रचना में, इसका एक तरह से नाटक का पुनर्जन्म ही होता है। इसके अलावा दोस्तों जब किसी भी साहित्य की मुहावरे और लोकोक्तियों का यदि नाटक में जब प्रयोग होता है तब उनका अनुवाद करना कितना कठिन है, ये तो हम अपने पिछले अध्याय में लोकोक्ति और मुहावरों वाला जान ही चुके हैं। तो ऐसे में इनको किस तरह से लक्ष्य भाषा में पुनर्निर्मित करना है ये भी अनुवादक के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। नाटक में दोस्तों संवादों का बड़ा महत्व है। किसी भी नाटक की जो महत्ता है वो संवादों पर ही है। सुंदर जो नाटक के संवाद हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। कोई भी अभिनेता, कोई भी पात्र संवादों के माध्यम से ही अपने भाव, अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करता है। और शब्दों का चयन यह सोचकर किया जाता है कि अभिनेता संवाद प्रस्तुत करते समय किस शब्द को कैसे बोलेंगे, कैसे उसका उच्चारण करेंगे, साथ ही साथ शब्दों को बोलते वक्त जो उसके भाव होते हैं, भाव भंगिमा होती है, वो ध्वनि है, उन सब का बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अब मूल भाषा के संवादों के इस भाव या विशेषता को अनुवादक द्वारा लक्ष्य भाषा में ले जाना काफ़ी कठिन हो जाता है। अब दोस्तों कविता और नाटक के समान किसी कहानी, उपन्यास या कथा साहित्य में भी सर्जना का स्तर किसी तरह से आसान या कम नहीं होता, उसमें भी उतनी ही सृजनात्मक, जो ये साहित्य है वो तो भरा ही हुआ है सृजना से, यानी कि साहित्य कहलाता ही सृजनात्मक है। इसीलिए इसका अनुवाद किसी भी तरह से करना सहज नहीं हो सकता। कथा का अपना एक विशिष्ट प्रारूप, प्रभाव और परिवेश होता है। कोई भी कथा हम पढ़ते हैं तो उसका जो अलग ही हम पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ का जो परिवेश है वो अलग होता है। और इसमें साहित्य के अन्य विधाओं के गुण भी होते हैं। जिस तरह से नाटक के पात्र अपनी संस्कृति व पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही कथा के पाठ भी ऐसा करते हैं। अर्थात कथा में संपूर्ण पाठ जो होती है वो एक श्रृंखला जैसी होती है, आपस में गुथी होती है। आप कोई भी कथा पढ़ते हैं तो अगली कड़ी पिछली कड़ी से जुड़ी होती है।
इस तालमेल को स्रोत भाषा से, मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में ले जाना, उसी तरह से बनाए रखना, मूल पाठ की कृति को मूल पाठ जैसा ही बनाए रखना अनुवादक के लिए एक समस्या हो जाती है। साहित्य की अन्य विधाओं के अनुवाद की तरह ही इस विधा में भी अनुवादक को कथ्य के विभाजन, यानी कि कथा पढ़कर उसका विभाजन और उसका जो भी शिल्पगत प्रयोग है उन सब पर चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है और उसके बहुत से सूत्रों को समझते हुए सही अर्थों को वो फिर ग्रहण करता है। अनुवादक उसमें कभी कुछ जोड़ता है, कभी कुछ हटाता है, कभी कुछ छोड़ भी देता है, तो बहुत से कार्य उसको करने पड़ते हैं। समस्त कार्य और गतिविधि के साथ उसे मूल पाठ के भाव को भी बनाए रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जो मर्जी उसमें जोड़ देगा, कुछ भी उसमें से हटा देगा, ऐसा नहीं कर सकता। इससे तो मूल पाठ का अर्थ ही बदल जाएगा या फिर जो अनुवाद है वो हास्यास्पद हो जाएगा। दोस्तों, साहित्य की अन्य विधाएं बहुत सारे विषय, संदर्भ, स्थितियां, वातावरण, संस्कृतियों से जुड़ी होती हैं और इन संदर्भों को लक्ष्य भाषा में हूबहु साम्यता के रूप में लाना काफ़ी कठिन कार्य होता है, जिसमें कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना एक अनुवादक करता है। इसीलिए अनुवादक को कहते हैं कि प्रतिभाशाली और प्रगल्भ बुद्धि का होना चाहिए, जो कि इन सभी समस्याओं का निदान करते हुए मूल कृति को, जब अनुदित कृति में मूल कृति वाला भाव बनाए रखे। लेकिन जब इनके पर्याय दूसरी भाषा में, यानी कि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में यदि मौजूद ही नहीं होंगे, तो अनुवादक के लिए यहाँ काफ़ी दुष्कर कार्य सिद्ध हो जाता है ये कार्य। अतः हम मान सकते हैं कि साहित्यिक विधाओं के अनुवाद के अंतर्गत एक अनुवादक को बहुत सारी समस्याएँ, सीमाएँ और चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं, सामना करना पड़ता है, जिसका अनुवाद करते समय उसे हल खोजना होता है, जो कि उसके लिए थोड़ा काफ़ी, कई बार काफ़ी और कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में अनुवाद की साहित्यिक विधाओं की समस्याएं, सीमाएं और उनकी क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित और भी किसी भी विषय पर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।